everyone, this is Shraddha, your very own Donchit, and welcome back to my channel with another brand new video. So guys, आज मैं आई हूँ KFC. KFC तो आप सभी लोग आए होंगे, but मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ my type of KFC special combo meal. So इसमें मैं जब भी KFC आती हूँ, मेरा एक specific वेराइटी मेरा एक स्पेसिफिक चीज़ होता है जो मैं ऑर्डर करती हूँ एंड खाके बहुत मज़ा आता है. उससे क्या होता है, थोड़ा सा डाइवर्सिटी भी आ जाता है एंड खाके अच्छा भी लगता है. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू पीपल माई टाइप ऑफ KFC स्पेशल कॉम्बो मील. सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, हमने ऑर्डर किया है फोर एक बिग एट का एक ऑप्शन आता है जो कि काफ़ी मेरे को यूज़फुल लगता है, बिकॉज उसमें आपको मिलेगा फोर पीसेस ऑफ हॉट एंड क्रिस्पी एंड फोर पीसेस ऑफ स्मोकी ग्रिल. एंड उसका प्राइस है ₹522. नहीं, वो तो विदाउट टैक्स ₹522. हाँ, विद टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इट्स ₹549. एंड और लिया है क्लासिक जिंगर, एक नॉर्मल लिया है और एक इन लोगों ने कॉम्बो बना दिया है, उसको पेप्सी एंड फ्रेंच फ्राइज ऐड कर दिया है. सो वो कॉम्बो हो गया है ₹268 का एंड टैक्स वैक्स मिला के टोटल ₹1001 का बिल हुआ है. सो यही है, ये कुछ इतना स्पेशल तो है नहीं, पर ये खा के बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. इफ़ यू आर ऑल्सो अ KFC लवर, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो गोइंग टू लव इट. काफ़ी रैंडम सा एक ब्लॉग है, मैं सोची हूँ क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए. गाइज, मेरा स्पेशल कॉम्बो मील यहाँ पे आ गया है. ये है हमारा जिंगर बर्गर. अभी काफ़ी रात हो गया है तो थोड़ा मेयो वगैरह मुझे कम लग रहा है, यूजुअली तो क्या देता है. हल्का सा ठंडा टाइप का भी है. और ये है हमारा हॉट एंड क्रिस्पी एंड दिस इज़ द फ्रेंच फ्राइज एंड पेप्सी. तो टेस्ट तो आप सभी को पता ही है कैसा होता है. सो फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बाइट लेके बताती हूँ कि आज का कैसा बना. अच्छा मैम, एक्चुअली KFC का जो ये चिकन का टेस्ट है ना, वो कोई बीट नहीं कर सकता. काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी अलग होता है, तो वो टेस्ट हमेशा स्पेशल होता है. गाइज, ये है हॉट एंड क्रिस्पी. KFC हमेशा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फीलिंग देता है, बिकॉज इन लोगों का हॉट एंड क्रिस्पी का पीस ये लोग छोटा दे देता है. पहले इन लोगों का साइज़ बहुत ह्यूज होता था एंड खाके भी अच्छा लगता था. अभी आप लोग देख ही सकते हो साइज़ में कितना डिटोरिएट कर दिया है. वही टेस्ट के लिए लोग आता है, तब भी साइज़ से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है. टेस्ट अच्छा है. इन लोगों ने थोड़ा टाइम लिया, 20 मिनट, तो काफ़ी फ्रेश एंड गर्म एंड बहुत क्रिस्पी है. बहुत अच्छा है. मेयोनीज का क्वांटिटी हल्का सा कम है, तो कहीं कहीं टेस्ट थोड़ा सा डल लग रहा है, बट जहाँ पे है वो वाला पार्ट बहुत डिलीशियस लग रहा है. फिर KFC ऐसा ही होता है, इन लोगों को कंप्लेन करके भी कुछ वो नहीं है, बिकॉज लाइक अ ब्रांड स्ट्रॉ नहीं दिया है, बंद हो गया. मील बोला तो था पर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा फ्रेंच फ्राइज में ऐड करवाया, और पेप्सी में भी बोला इससे ये मीडियम बन जाएगा और प्राइस भी मीडियम बन जाएगा. मोबाइल का थैंक यू. हमारा स्मोकी ग्रिल भी आ गया, बहुत गर्म है, थोड़ा टाइम लिया बट बहुत फ्रेश टाइप का बना के.
इसका साइज भी बहुत अच्छा है। ये सच में बहुत डिलीशियस है। आप लोग भी स्मोकी ग्रिल ट्राई कर सकते हो। लाइक ये बहुत स्पाइसी है, सो अ स्पाइसी लवर यू आर श्योरली गोइंग टू लव दिस। मुझे ये सबसे ज़्यादा डिलीशियस लगा, तो मैं अपना मील इसी से एंडिंग करूँगी। ये लास्ट में खाऊँगी। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था आज का एक्सपीरियंस और खाने का टेस्ट। बस हॉट एंड क्रिस्पी का जो डिसअपॉइंटमेंट वो मेरे साथ हमेशा होता है साइज को लेके, बट टेस्ट वॉज वेरी गुड, वेरी फ्रेश, बहुत गर्म गर्म दिया, काफ़ी अच्छा लगा। बर्गर हल्का सा ठंडा था, उसका चिकन भी, बट दैट्स फाइन। बाकी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। सो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्मॉल एंड रैंडम सा है। So that's it for today. I hope you people like this video. See you in the next video. Till then, take love and give love. Bye bye.